मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस आयोजक टीम का जिसने आज हमारा इतना मान सम्मान किया, हमारा स्वागत किया और इतना प्रोग्राम यहाँ पर आयोजन किया। मैं उन सब का, जो आयोजक टीम है, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम प्रजापति धर्मेंद्र जावला है। चरखी दादरी हरियाणा से संबंध रखता हूँ। पिताजी मार्केट कमेटी में गवर्नमेंट सर्विस पे हैं। मिसिज हैं लेक्चरर, वो भी गवर्नमेंट सर्विस पे हैं। भाई हैं, छोटा भाई डॉक्टर हैं। धर्मपत्नी हैं उनकी, वो भी डॉक्टर हैं। मैं आप लोगों की तरह एक छोटा सा समाज का कार्य करता हूँ। छोटा अपना अनाज मंडी में, सॉरी सब्जी मंडी में काम है। तो मेरा वह परिचय ये। अब बात करते हैं भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की। जो आप सभी को पता है उद्देश्य क्या है, काम क्या का है, कैसे करना है। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्थापित किया गया था 2014 में, संस्थापक सदस्य आप सबके बीच मौजूद हैं। आपको पता है सतीश सरवाजी, रमेश टाक जी, जो आपको बताएंगे विस्तार से। जो अपना BPHO है उसकी स्थापना कैसे हुई, मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए इतना ही बताऊंगा। मैं हरियाणा से, मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भाई साहब ने दी। इतनी बड़ी जिम्मेवारी, छोटा सा मैं कार्य करता था, लेकिन मैं आपको दिल्ली प्रदेश में आया हूँ। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। मैं आपको हरियाणा की जो विस्तार करने की, जो अपना BPHO कार्य करने, विस्तार करने की थोड़ी शैली बता देता हूँ। मेरी बड़ी बहन कुसुम जी भारतीय प्रजापति, सॉरी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। इनको पता है संगठन को कैसे चलाना है, कैसे हमें विस्तार करना है। हमारे हरियाणा में 22 जिले हैं। 22 जिलों के हमने जिला अध्यक्ष नियुक्त किए रखे हैं। उन जिला अध्यक्षों को मंडल के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। हर जिले में मंडल हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 4 हैं। हर जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी लगा रखी है कि वो मंडल अध्यक्ष बनाए, और उन मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद उन मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी लगा रखी है कि वो गांव-गांव जाके, गांव-गांव अपना, जहाँ भी जिस मंडल में 13 गांव आते हैं, किसी मंडल में 10 गांव आते हैं, उस गांव का प्रधान नियुक्त करे। वो प्रधान जिला अध्यक्ष अपना जो आदेश है, जो अपना निवेदन है, वो मंडल अध्यक्ष को देता है। वो मंडल अध्यक्ष अपना आदेश निवेदन ग्राम अध्यक्ष को देता है, ताकि हमारा जो BPHO का जो मिशन है, जो हमारे सदस्य बनाने हैं, वो हमारी पहुंच नीचे तक जाए। संगठन तो बहुत से हैं, आपको भी पता है प्रजापति समाज में बहुत से संगठन चल रहे हैं। कोई किसी नाम से चलता है, कोई किसी नाम से चलता है, लेकिन जो संगठन वो ऊपर लेवल तक ही रह जाते हैं, नीचे तक जहाँ में जरूरत है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं संगठन। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपको एक छोटा सा संगठन की हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमने BPHO को बनाया, आज सीधा साक्षात उदाहरण तो मैं ही हूँ। मैं जो आप लोगों के बीच में हूँ, यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया मेरे को, इस संगठन की वजह से ही आज मेरे को इतना मान सम्मान मिला है। आज सतीश सरवाजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, रमेश टाक जी हैं, बहन कुसुम जी, इन सब से मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, इन सब से मुलाकात हुई है, उसका जरिया भी आज संगठन ही है। दूसरा एक साक्षात उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। औचित्य तो नहीं है, लेकिन उससे युवा में जोश आता है। मेरे पीछे 10-15 दिन पहले एक साथी थे हिसार से, हरिद्वार से आ रहे थे, रास्ते में नरवाना गाड़ी खराब हो गई। 8, 8:30, 9 बजे के पास फोन आता है उनका मेरे पास, मतलब भाई मेरे को एक दिक्कत हो गई है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मेरी कोई हेल्प हो सकती है यहाँ। मेरे माँ, मेरी बहन मेरे साथ में है और मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
मैंने कहा भाई इतना बड़ा अपना सिस्टम तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ किसी से आपको कोई सहायता मिल जाए पहुँच जाए। मैंने जिन जिला अध्यक्ष हैं मेरे भाई मास्टर रविंदर जी, उनके पास फ़ोन किया। मैं भाई साहब अपना एक साथी है अपने समाज से है और ऐसे ऐसे मुसीबत में फंस गया है, क्या अपनी कोई हेल्प हो सकती है? बोला बिल्कुल हो सकती है। अपने वहाँ नरवाना हलके में नरवाना से हलका अध्यक्ष हैं रवि प्रजापति जी, मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, आप उनसे फ़ोन कीजिए। मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया और मैं आज वो भाई है, नहीं है हमारे साथ, वो सुन नहीं रहा हमारी मैं, लेकिन मैं उसका भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। वो भाई स्वयं गया वहाँ पर मैकेनिक को लेके गया, लेकिन मैकेनिक ने कह दिया भाई ये गाड़ी एकदम यहाँ ठीक नहीं होगी, इसको हिसार लेके जाना पड़ेगा। तो उस भाई ने मैकेनिक का अरेंजमेंट करवाई, उस भाई ने क्रेन की अरेंजमेंट करवाई और जितने वहाँ मेम्बर थे उनको खाने की व्यवस्था करवाई। मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ उस भाई का। इससे हमें क्या, हमें इससे शिक्षा ये मिलती है कि संगठन कितना काम आता है आदमी को। संगठन में थे, उस भाई का समाधान हो गया, उस भाई ने मेरे को बड़ा बड़ा धन्यवाद किया, मेरा नहीं किया संगठन का किया। भैया संगठन में था, संगठन की जिम्मेवारी थी, तो हमें एक दूसरे के टच में थे, हमें पता था कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि आप अपनी मेहनत और लगन से काम करें, संगठन के बारे में काम करें, संगठन का ही काम करें, व्यक्तिगत विशेष का ना करें, संगठन के बारे में सोचें, संगठन का विस्तार करें। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना मान सम्मान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।